हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो वो फील फ्री टू रन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक टॉपिक सीरीज रन कर रहे हैं वन डे वन टॉपिक वाली, और आज भी हम फिनेंशियल मैनेजमेंट जो कि हमारा आता है पेपर टू में, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रन करने वाले हैं, दैट इज थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे कि इसके अंदर क्या आता है, और फिर इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज ट्राई करेंगे, जिससे कि हमें समझ आए कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, जो हमने कॉन्सेप्ट को समझा है, वो हमारे माइंड में फीड हो भी चुका है नहीं अच्छे से, कि हम क्वेश्चन अप्लाई कर भी पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि इससे या तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठ के आता है कि व्हाट डू मीन बाय डिविडेंड, या फिर डिविडेंड के मॉडल से आपसे अजम्पशंस पूछ ली जाती हैं, या फिर इससे न्यूमेरिकल हमारे क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। तो एक बार ही देख लेते हैं ये क्या होता है डिविडेंड। इसलिए फ्रेंड्स ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज को समझेगा, हर चीज में छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें छुपी होती हैं, क्योंकि अगर हमने वही चीजें नहीं समझी तो फिर हम उसे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म डिविडेंड। देखिए डिविडेंड डिसीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाता है। अगर आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप भी एज एन शेयर होल्डर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि कंपनी हमें क्या देगी, बदले में कुछ रिटर्न देगी, और उस रिटर्न को हम क्या नाम देते हैं, डिविडेंड नाम देते हैं। डिविडेंड एक ऐसा हिस्सा है कंपनी के प्रॉफिट का जो कि वो शेयर होल्डर को देती है। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय अ कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर्स, राइट। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक ऐसा हिस्सा है प्रॉफिट में से जो भी एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डिसीजन माना गया है हमारे फाइनेंस में, क्यों, क्योंकि इसका मेनली ऑब्जेक्टिव होता क्या है, क्यों कंपनी डिविडेंड देगी शेयर होल्डर को। आप खुद बताइए आप कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जहाँ पे डिविडेंड मिलता हो या जहाँ पे डिविडेंड ना मिलता हो, जहाँ पे आपको रिटर्न कुछ मिले या ना मिले। हम वही कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे ना जहाँ पे हमें रिटर्न मिल रहा होगा। तो इन द सेम वे जब कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो उसका मेन रोल होता है कि वो उसकी वेल्थ को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ। हम ये मानते हैं कि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है शेयर होल्डर को, तो उससे क्या बढ़ रहा है, उसका मार्केट प्राइस बढ़ रहा है उनके शेयर्स की। जितना ज्यादा आप डिविडेंड दोगे एक शेयर होल्डर को, उतना ही ज्यादा आपके शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, ये माना जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड देने का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि जो किसी भी चीज को इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आता है हमारा, सबसे पहले हमारा आता है एज ऑफ अ फर्म। एज ऑफ अ फर्म इट मीन्स दैट कि एज ऑफ अ फर्म क्या है, क्या फर्म नई है, क्या फर्म पुरानी है। अगर नई है तो वो क्या ग्रोइंग स्टेज पे है, या मैच्योर हो चुकी है, तो उसके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये सारी चीजें देखते हैं कि फर्म के अंदर चल क्या रहा है, क्या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है। तो अगर आप खुद देखिए, अगर कोई भी नई फर्म इस्टेब्लिश हुई है, अगर वो ग्रोइंग स्टेज पे है, तो वो क्या करेगी, वो लो पे आउट रेशियो को क्या करेगी, फॉलो करेगी। अगर कोई फर्म क्या है ग्रोइंग स्टेज पे है, ये अभी अभी न्यूली एस्टैब्लिश हो गया, तो वो कम पे आउट रेशियो देना पसंद करती है। पे आउट रेशियो का मतलब क्या है कि उस रेट पे कि वो आपको डिविडेंड देगी, इट रेफर्स द परसेंटेज कि 10% भाई जितनी भी अर्निंग होगी उसमें से हम डिविडेंड शेयर होल्डर को दे देंगे। तो दैट मीन्स अबाउट इन पे आउट रेशियो। वेयर एज अगर हम दूसरी बारे में बात करें तो मैच्योर फर्म, अगर बहुत पुरानी फर्म हो चुकी है, ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, तो उस फर्म में वो क्या करेगी, वहां पे वो डिविडेंड पॉलिसी कैसे रखेगी, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी रखेगी, मतलब वो ज्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे देगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ अ फर्म। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ अ फर्म।
अगर फर्म की कैश पोजीशन अच्छी नहीं है, अगर उसके पास ऑलरेडी कैश की शॉर्टेज है, तो वो आप खुद बताइए वो क्यों देगी डिविडेंड शेयर होल्डर को। तो यही चीज इसमें बता रखी है, इफ द कैश पोजीशन ऑफ एन इंडस्ट्री इज नॉट साउंड, अगर अच्छी नहीं है तो अ लोअर पे आउट रेशियो इज मेंटेन, तो कम पे आउट रेशियो इज मेंटेन, हम कम डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को। और अगर हमारी कंपनी में कैश की पोजीशन बहुत अच्छी है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। आगे देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस है उसका, ये देखा जाता है कि किस तरीके का बिजनेस है। फर्म्स विच जनरेट गुड अर्निंग्स फॉर्मुलेट स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, ऐसी फर्म जिसकी बहुत अच्छी अर्निंग्स चल रही है तो वो क्या करेगी, ऑफ कोर्स वो डिविडेंड क्या देगी, अच्छी देगी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी चलाएगी, है ना, अच्छी पॉलिसी बनाएगी वो और अपने शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देगी। लेकिन वहां पे जहाँ पे ऐसी फर्म्स है जिन कंपनीज में कोई अर्निंग रेगुलर नहीं है, कभी कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो वहां पे क्या करेगी, पॉलिसी वैरी करेगी अकॉर्डिंग टू द ईयर टू ईयर। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस फॉर करंट इनकम। अब देखिए एक चीज आती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या प्रिफर करते हैं, या तो वो करंट इनकम को प्रिफर करेंगे कि आज ही आज हमें आप पैसा दे दीजिए, वो आपसे क्या कह सकते हैं कि हम आज की प्रिफर ज्यादा करेंगे, आज हमें डिविडेंड मिल जाए, कल का क्या पता कल हमें मिले ना मिले, या फिर वो क्या चाह सकते हैं, वो कहें कि हम अभी नहीं ले रहे हैं, आपके फ्यूचर में अगर आपके और अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हो जाते हैं, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो आप हमें उस ज्यादा डिविडेंड दे दीजिएगा, तो वो क्या करेंगे, वो कैपिटल इनकम को प्रिफर करेंगे। दोनों तरीके के शेयर होल्डर होते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स करंट इनकम को प्रिफर करते हैं कि आप हमें दे दो बिकॉज ऑफ द रिस्क, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में आपके पास इनकम हो या ना हो, लेकिन कुछ शेयर होल्डर क्या कहते हैं, वो कैपिटल इनकम को प्रिफर करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप अभी मत दीजिए, कोई बात नहीं, आप आगे जाके जब आपके प्रॉस्पेक्ट्स और अच्छे हो जाए, आपकी अर्निंग और ज्यादा अच्छी हो जाए, तो वो क्या करते हैं, वो फ्यूचर में प्रिफर करते हैं कि आप फ्यूचर में जाके हमको डिविडेंड ज्यादा दे दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कवर्स इन दिस पॉइंट कि इफ शेयर होल्डर डिजायर करंट इनकम, अगर करंट इनकम प्रिफर कर रही होगी तो कंपनीज को ज्यादा पे आउट रेशियो रखना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कंपनी में शेयर होल्डर कैपिटल गेन्स पे फॉलो कर रहा है, कैपिटल इनकम चाह रहा है, तो वो क्या करेगी, वहां पे रिटेंशन रेशियो ज्यादा फॉलो करेगी। रिटेंशन रेशियो मतलब कंपनी रिटेन करना ज्यादा प्रिफर करेगी इन कंपैरिजन टू गिविंग दी हायर पे आउट रेशियो। रिटेंशन रेशियो मतलब ज्यादा अपने पास बचा के रखना, कम देना शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ दी फर्म। फर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसी है, अगर कंपनी के पास बहुत सारे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज हैं, उसे दिख रहा है कि मेरे पास अगर मैं कहीं और जाके इन्वेस्ट करूंगा, अगर मैं फर्दर कहीं और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न्स और ज्यादा बेटर मिल सकते हैं, तो उस केस में वो ज्यादा पे आउट रेशियो प्रिफर नहीं करेगी, वो ज्यादा से ज्यादा रिटेन करके रख लेगी और वो ये सोचेगी कि मैं आगे जाके उन पैसे को अपने इन्वेस्टमेंट करूंगा और मेरे को जो ज्यादा रिटर्न मिलेगा जब मैं शेयर होल्डर को दूंगा। इन अदर केस अगर उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, लार्ज कैश डिविडेंड को फ्लो आउट कर देते हैं, ठीक है, वो लार्ज डिविडेंड बांटेंगे अमंग द शेयर। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कंपनीज ये भी देखती है कि उनके कॉम्पिटिटर्स कौन सी डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, या ज्यादा रिटेन करना प्रेफर कर रहे हैं वो डिविडेंड को, मतलब देना नहीं प्रेफर कर रहे, वो ज्यादा ही सेविंग्स कर रहे हैं उनके कॉम्पिटिटर, तो इस हिसाब से भी कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी होती है वो वेरी कर जाती है। अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा दे रहे होंगे उनके डिविडेंड, तो उनको भी मजबूरी हो जाएगी कि वो शेयर होल्डर्स को ज्यादा ज्यादा डिविडेंड दे इन ऑर्डर टू रिटेन देमसेल्फ, है ना, वो अपनी कंपनी में ही तो चाहेंगे, अगर कोई और कंपनी उनको ज्यादा डिविडेंड देगी तो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर भी दूसरी कंपनी में स्विच हो सकता है, दैट्स व्हाई वो कॉम्पिटिटर को देख के डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना डिविडेंड देना है और कितना नहीं। नेक्स्ट वो देखते हैं कि पास्ट डिविडेंड उन्होंने कितना दिया है, कितना उनका पास्ट का रहा है, कितने परसेंट का उन्होंने पास्ट में दिया था, उस हिसाब को भी वो मेंटेन करके देखते हैं कि क्या उन्हें देना चाहिए और क्या उन्हें नहीं देना चाहिए, वो ज्यादा फ्लक्चुएशंस कंपनी प्रेफर नहीं करती है बेसिकली।
अब हमारा मेन टॉपिक आता है जो अभी तक हमने पढ़ा। हमने पढ़ा क्या क्या डिविडेंड क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स डिविडेंड को इफेक्ट कर सकते हैं। और भी होते हैं बट मैंने इम्पोर्टेंट वाले ले लिए यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो हमारी वीडियो फिर से बहुत बड़ी हो जाती। दैट्स व्हाई मैंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कवर कर लिया। अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है जहाँ से कंटेंट आता ही आता है, दैट इज द थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की थ्योरीज पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज कवर की थी, इन द सेम वे हमें डिविडेंड की थ्योरीज भी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, यहाँ से भी अजम्पशन से क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। दैट्स व्हाई अब डिविडेंड की भी कुछ रेलिवेंट थ्योरी है, कुछ इररेलीवेंट थ्योरी है। आज हम एक एक करके थ्योरीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, देन हम आगे जाके नेक्स्ट थ्योरी करेंगे, देन उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन समझेंगे, जिससे कि कोई भी हॉचपॉच ना हो। तो फर्स्ट मॉडल इज आर वॉल्टर मॉडल, जो कि किसमें आता है, रेलिवेंट थ्योरी के अंदर कंसिडर किया जाता है। देखते हैं ये क्या कहता है, ये मॉडल हमसे क्या कह रहा है, आइए समझ लेते हैं। वॉल्टर मॉडल को पहली बात तो कौन सा मॉडल भी बोला जाता है, शेयर वैल्यूएशन मॉडल भी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए शेयर होल्डर वहां जाना प्रिफर करते हैं जहाँ पे, उन फॉर्म्स में जाना प्रिफर करते हैं जहाँ पे रेगुलर और एडिक्वेट डिविडेंड मिलते हो। कैसे मिलते हो, रेगुलर और एडिक्वेट डिविडेंड मिलते हो। आप खुद बताइए, आप ऐसी फॉर्म्स में तो नहीं जाएंगे ना जहाँ पे आपको डिविडेंड ही नहीं मिल रहे हो। अगर आपको डिविडेंड ज्यादा मिलता है तो फिर आपके क्या होते हैं, शेयर्स के प्राइस भी क्या होते हैं, गोज अप। दिस इज द जनरल टेंडेंसी कि जब कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देती है तो उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, उसके प्राइस जो होते हैं, वो मार्केट के अंदर रेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड उसका अगर वाइस वर्सा देख लें तो अगर हम नहीं देंगे तो शेयर की वैल्यू डाउन होने स्टार्ट हो जाए। तो जो हमारे जेम्स ई वॉल्टर थे, इनके हिसाब से डिविडेंड एक ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो एक कंपनी को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, और इससे हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। मतलब डिविडेंड डिसीजन से ही हमारी फर्म की वैल्यू डिसाइड होती है। तो दैट मीन्स इट इज एन रेलिवेंट मॉडल, वी कैन से दैट कि जितना ज्यादा आप ये माना जाता है कि हम क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा इतना सा है कि आप अगर डिसीजन जब डिविडेंड का ले रहे हो तो ये सोच के लो कि आपकी इस पे फर्म की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। डिविडेंड डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टू द टोटल वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर, उन्होंने कहा कि डिविडेंड पॉलिसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है और रेलिवेंट है किसके लिए, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, और फर्म की वैल्यू को भी डिसाइड करता है कौन, डिविडेंड। अब इन्होंने अजम्पशंस बोली, आपको ये तो समझ आ गया ना कि जो हमारा ये वॉल्टर मॉडल था वो एक रेलिवेंट मॉडल है, डिविडेंड से हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो डिसाइड होती है। इनकी कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस रीड कर लेते हैं। जैसे हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की अजम्पशंस थी, वैसे इन द सेम वे इन्होंने भी कुछ अजम्पशंस रखी हैं। पहली अजम्पशन क्या है, इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग मतलब होता है कि कंपनी जो है वो सारा का सारा इंटरनल जो भी उसके पास पैसा है उसी को यूज कर दिया। दैट मीन इंटरनल फाइनेंस हम पे क्या अवेलेबल होता है, रिटेन अर्निंग। जो भी उसने पैसा कैप्चर करके रख रखा है, जो उसने शेयर होल्डर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा है, सिर्फ उन्हीं के पैसे को वो यूज करिए फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट। वो ना तो डेट को यूज करेंगी ना ही इक्विटी को यूज करेंगी, मतलब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज नॉट यूज, ओनली क्या यूज होगी, रिटेन अर्निंग यूज होगी। ठीक है, क्लियर हो गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ रिटर्न रिमेन द सेम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं हम, के, इससे डिनोट किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, के से। एंड रेट ऑफ रिटर्न, ये जो रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न को किससे डिनोट करते हैं, आर से। ये दोनों ही क्या रहेंगे, हमारे कॉन्स्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब ईपीएस और डीपीएस रिमेन्स सेम। ईपीएस और डीपीएस का क्या होता है, ईपीएस माने अर्निंग पर शेयर और डीपीएस माने डिविडेंड पर शेयर। कितना कंपनी को अर्निंग हो रही है एक शेयर पे और कितना वो डिविडेंड दे रही है एक शेयर पे। तो डीपीएस और ईपीएस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एक जैसी रहेगी, वैरी नहीं करेगी। जो लाइफ ऑफ अ फर्म है परपेचुअल, परपेचुअल मतलब चलती जा रही है, गोइंग ऑन है, कभी भी वो रुकेगी नहीं। ठीक है,
All earnings are either distributed as dividend or reinvested internally immediately. जितनी भी अर्निंग एक कंपनी को हो रही है वो या तो डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को दे देगी या फिर इंटरनली ही री इन्वेस्ट कर लेगी जैसे ही उसे अर्निंग्स होते हैं। तो ये हमारी कुछ अजम्पशंस है, किसके अकॉर्डिंग है? वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने 3 टाइप्स बताए, इसी के ऊपर हमारा एक 2021 पे क्वेश्चन आया है और ये हमारे को समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक, कितने तरीके की फर्म बताई है वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग, कितनी फर्म्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फर्म। कौन कौन सी? ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म एंड डिक्लाइनिंग फर्म। ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म एंड डिक्लाइनिंग फर्म। ग्रोथ फर्म से तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ग्रोथ मतलब जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, मतलब जहाँ पे मेरे को क्या लग रहा है, जहाँ पे मुझे अगर मैं कहीं पे जाके इन्वेस्ट करती हूँ, फर्दर इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी करती है तो उसे क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न उसकी ज्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू किसके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? जो एक कंपनी को बियर करनी पड़ती है फॉर इशुइंग द कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जो एक कंपनी को कॉस्ट बियर करनी पड़ी फॉर इशुइंग द कैपिटल, या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, हम नेक्स्ट लेसन में जो भी हम लेंगे आगे वाली वीडियोस में उसमें और डिटेल में कवर करेंगे। तो रिटेन रेट ऑफ रिटर्न आपको समझ आ गया कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है उस पर जो उसे रिटर्न मिलने वाला है कंपनी को, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये जो के है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? जो भी कंपनी कैपिटल इशू करती है उसके बदले में जो भी उसे कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, दैट इज के। तो अगर कोई कंपनी के पास बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे उसे रिटर्न मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, कि मतलब बहुत अच्छा ही उसे प्रॉफिट होने वाला है इन कंपैरिजन टू दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आर ज्यादा है के कम है मेरे पास, तो उस केस में फर्म क्या करती है, जीरो पे आउट रेशियो को फॉलो करती है। वहां पे उन फर्म्स में डिविडेंड नहीं दिया जाता है, सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, रिटेन करके रख लेगी कंपनीज और उन वहां जाके इन्वेस्ट करेगी जहां पे उसको लग रहा है कि उसको रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। तो ये कौन सी फर्म्स हो गई? ग्रोथ फर्म। ग्रोथ फर्म कौन सी हो गई? जहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, जहाँ पे उसे लग रहा है कि मेरे को अच्छी अर्निंग्स मिल सकती हैं और इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे उसके रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, 0% पे आउट रेशियो को फॉलो करेंगे, वो डिविडेंड नहीं देंगे। कहाँ पे नहीं देंगे? ग्रोथ फर्म। ओके, अब नेक्स्ट फर्म क्या है? नॉर्मल फर्म। नॉर्मल फर्म्स ऐसी होती है कि जहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी का प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न है वो उसके इक्वल होते हैं किस चीज के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। जो मेरा आर होता है इस केस में वो किसके इक्वल होता है? हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस केस में जो फॉर्म्स होती है वो कोई सा भी पे आउट रेशियो को फॉलो कर सकती है, कोई सा भी फॉलो कर लेंगे, वो कम भी दे सकती है, वो ज्यादा भी दे सकती है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अब आती है हमारी डिक्लाइनिंग फॉर्म। डिक्लाइनिंग फॉर्म्स में क्या होता है कि वहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा लग रहा होता है, मतलब कंपनीज को कॉस्ट बहुत ज्यादा बियर करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ रिटर्न, उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा होता है, वो अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कहीं और जाकर भी तब भी उन्हें रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता, उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आप खुद सोचो, जब कंपनी को कहीं और इन्वेस्टमेंट करने पे भी फायदा नहीं हो रहा है तो वहां पे कंपनी रिटेन करके क्या करेंगी? वो रिटेन नहीं करती है उस केस में, वो क्या करती है, सारे का सारा जितने भी उनको फायदा हो रहा है, जितनी भी उन्हें अर्निंग्स हो रही है, तो वो क्या करेंगी, वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्यों कर देंगे? जिससे कि उनके पास जितना भी भाई उनके पास शेयर होल्डर है वो किसी और कंपनी में शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि वैसे ही उनके कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके पास कुछ है नहीं, वैसे ही उनकी फर्म डिक्लाइनिंग हो रही है, और अगर उनके इन्वेस्टर्स भी शिफ्ट हो गए तो फिर वो फर्म्स क्या करेंगे, राइट? तो ऐसी फर्म जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा लग रही है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ रिटर्न, वहाँ पे क्या होता है, 100% पे आउट रेशियो वहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। कितना? 100%, सारा का सारा दे देंगे, जितना भी उनके पास है सब दे देंगे, जिससे कि उनके शेयर होल्डर उनके पास बने रहे। ये कौन सी फॉर्म्स होती है? डिक्लाइनिंग फॉर्म्स। अब हमारा एक फॉर्मूला आता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इन कैलकुलेटिंग, ये आता है लिखा हुआ कि आप वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस बताओ, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है एक शेयर का आप उसके अकॉर्डिंग बताइए। तो फटाफट से देख लेते हैं ये फॉर्मूला क्या कह रहा है हमसे,
और आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इनके क्वेश्चंस कवर आउट करते हैं अपने। देखिए P इक्वल टू DPS, DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी। R इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न, मतलब अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे कितना फायदा होता है। K इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी पढ़ चुके हैं कि कितना कंपनी बियर कर रही है इन टेकिंग दैट कैपिटल। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर माइनस DPS, ये हमारा फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनली अब हमारा टाइम आ गया है न्यूमेरिकल्स की तरफ, क्वेश्चंस अप्लाई करने की तरफ। आई होप आपको वॉल्टर मॉडल बहुत अच्छे से समझ आया हो। मैं एक समरी दे देती हूँ फटाफट से। वॉल्टर मॉडल क्या होता है? वॉल्टर मॉडल एक ऐसा मॉडल है, रेलिवेंट मॉडल है सबसे पहली बात। अगर आप मतलब डिविडेंड इफेक्ट करता है किस चीज़ को, वैल्यू ऑफ दी फॉर्म को, इसको हम शेयर वैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। EPS एंड DPS रिमेन्स द सेम, इंटरनल फाइनेंसिंग होगी, फॉर्म की जो लाइफ है वो परपेचुअल चलेगी, जितना भी उसे प्रॉफिट होगा वो या तो कंपनी आइदर डिविडेंड के तौर पर बांट देगी या फिर सारा का सारा रिटेन कर लेगी। अब हम फॉर्मूले की तरफ आए हैं, थ्री टाइप्स के फॉर्म्स होती है वो आपको मैंने पढ़ा दी है। नाउ अब हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, तो आइए फटाफट देख लेते हैं और अप्लाई करते हैं सारे क्वेश्चंस को, चेकआउट करते हैं कि अब हमें फॉर्मूले समझ आए या नहीं आए। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ना और समझना है कि क्या क्या गिवन है, उसको उठा के नीचे रखना है, देन हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। अ कंपनी अर्न्स रुपीज 5 पर शेयर, एक कंपनी 5 रुपये कमाती है, अर्न कर रही है ना 5 रुपीज पर शेयर, तो EPS अर्न कर रही है तो इसका मतलब क्या दे रखा है EPS। आगे देखते हैं, इट इज कैपिटलाइज एट अ रेट ऑफ 10%, कैपिटलाइज मतलब एट अ रेट ऑफ 10%, कैपिटलाइज कैपिटल लेने के लिए मुझे कितने परसेंट का उन्हें देनी पड़ रही है कॉस्ट, कंपनी को कितनी बियर करनी पड़ रही है 10%, तो ये जो 10% है ये मेरा क्या हो गया K, राइट। इट हैज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 16%, रेट ऑफ रिटर्न मतलब आर दे रखा है इन्वेस्टमेंट करने तो उन्हें कितना रिटर्न मिला है 16%। अब वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, प्राइस पर शेयर बताने हैं और 50% का डिविडेंड पे आउट रेशियो बता रखा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना बता रखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें बता रखा है 50%। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में से जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो मैंने नीचे सब लिख ली। अब देखिए DPR डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% निकाल लेता है। आप खुद सोचो कि डिविडेंड कंपनी किस पे देगी, अर्निंग्स पे देगी ना, जितनी भी उसे अर्निंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो डिविडेंड देती है। तो ये जो 50% है ये किसका निकालेंगे, 50% ऑफ बताइए किसका निकालेंगे हम, ये 50% ये हम निकालेंगे EPS का। किसका निकलता है हमेशा याद रखिएगा, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है, EPS पे। अब EPS कितना दे रखा है देखिए आप 5। नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, परसेंटेज रिमूव करूंगी मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा 50/100 इंटू 5। इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलता है, देखो बताओ क्या मिलेगा आपको 2.5, राइट। इसको सॉल्व करने पे आपको फाइनली DPS कितना मिल गया 2.5 मिल गया। अब मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, फॉर्मूला क्या था मेरा P, क्या था फॉर्मूला आप बताओ क्या था फॉर्मूला अभी, P इक्वल टू हमको पहले चीजें पढ़ के समझ के अप्लाई करनी है देन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। P इक्वल टू DPS प्लस R अपॉन K ब्रैकेट में EPS माइनस DPS अपॉन होल के अपॉन में क्या आता है K आता है। बस फॉर्मूला याद करना है मेरे को, वैल्यूज पुट करनी है। अब आप देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपने क्या करी, यहाँ से निकाल ली है, तो 2.5 DPS की जगह 2.5, R की जगह देखो, बस इसका बात का ध्यान रखिएगा ये जो परसेंटेज होती है इसे रिमूव कर देते हैं, और परसेंटेज रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो आप 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिला 0.10, और इसको करोगे तो 0.16, ठीक है, परसेंटेज को रिमूव करके चलना। अब R की प्लेस पे आप रखोगे 0.16 अपॉन 0.10, EPS की जगह पे आप रखेंगे 5 एंड DPS की जगह पे मैं रखूंगी 2.5 अपॉन 2.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अब
करते हैं फटाफट से सॉल्व करते हैं। डेसिमल से डेसिमल रिमूव किया, पहले 2.5 प्लस 16 को 10 से डिवाइड, इसको डिवाइड करने पे मेरे को मिलता है 1.6 और इसको माइनस करने पे मेरे को मिलता है 2.5 अपॉन के में 2.5। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा, 2.5 प्लस 4, इसको सॉल्व करने पे मेरे को क्या मिलता है 4 अपॉन 2.5। इसको प्लस करके इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 65 फाइनल आंसर। मतलब एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी जल्दी आपकी 65 चलती है। क्वेश्चन को पढ़ के समझ के नीचे उतारिए, नीचे उतारने के बाद आपको सिर्फ इतना याद रखना है परसेंटेज को रिमूव करेंगे हम डेसिमल्स में आएंगे, और डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, ईपीएस पे, अर्निंग पर शेयर पे। वैल्यूज फाइंड करिए, फॉर्मूले में पुट करें, यू विल गेट योर आंसर। आज की सीरीज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करे हैं, आपके आज बहुत सारा होमवर्क होने वाला है, यू विल सॉल्व इट बाय योर ओन एंड पिन इट इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल चेक कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है। आइए इस क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं, ये हमारा रिसेंट में आ चुका है वो क्वेश्चन। एज पर वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ अ ग्रोइंग फर्म, ग्रोइंग फर्म कौन सी फर्म है, ग्रोइंग फर्म है, विल इंक्रीज, कब इंक्रीज होगी, इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज, आप बताओ हमने क्या पढ़ा था, ग्रोइंग फर्म होगी तो क्या होता है और कितने परसेंट पे डिविडेंड रेशियो फॉलो करती है कंपनीज। आपको याद होगा मैंने कराया था 0% पे, मतलब ग्रोइंग फर्म की मार्केट वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, डिविडेंड रेशियो नहीं देना होता है। क्यों नहीं देना होता है, हमें डिविडेंड क्यों नहीं देते हैं हम, आप खुद बताओ, क्योंकि हमारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आई हुई हैं, अगर मैं वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरे को क्या होता है, आज ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट्स वाई मुझे क्या करना पड़ता है, डिविडेंड रेशियो को क्या करना पड़ता है, 0% पे लाना पड़ता है, 0% फॉलो करूँगी। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखो आपका ऑप्शन कौन सा फॉलो हो रहा है, 100 तो मेरा डिक्लाइनिंग फॉर्म में होता है, कॉन्स्टेंट नो, डिक्रीज इज द राइट आंसर, कि आप अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो दिन ब दिन गिराते चले जाओ तब आपका ग्रोइंग फर्म की मार्केट वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों, ये आपको समझ आया ना, क्योंकि हम नॉर्मली 0% का डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो करते हैं, तो इसमें इंक्रीज तो मैं कर नहीं सकती थी, राइट ना, 100% हो सकता था, तो आंसर विल बी डिक्रीज। ये हमारा रिसेंट क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये आपका रहेगा होमवर्क में, मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज लिख देती हूँ, आपको आंसर लिखना है। ये हमारा PYQ है जो हमारा आ चुका है, आप इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं बता देती हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ फर्म अर्न्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 20%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये 20% क्या हो गया मेरा आर, राइट। आगे पढ़ते हैं देखते हैं, EPS बता रखा है 15%, अर्निंग पर शेयर आपको बता रखा है 15, पे आउट रेशियो क्या रहा है 50%, जो पे आउट रेशियो है जो कंपनी डिविडेंड बांट रही है वो कितना बांट रही है 50% का दे रही, ठीक है। तो आप खुद बताओ 50% में किसका निकालूं, किसका निकालते हैं हम डिविडेंड, किसके ऊपर निकलता है EPS पे, मतलब 15 पे, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपके पास DPS आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कॉस्ट, खर्चा, खर्चे को हम क्या बोलते हैं, के का नाम देते हैं, दैट इज 12%, राइट। आर को रिमूव करो, पहले तो आप परसेंटेज रिमूव करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.20, और यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 0.12। अब इसको सॉल्व करना, आपके पास एक पी की वैल्यू आएगी और आप चेक करना, और इसमें से कोई भी आंसर जो आए आपको वो मेरे को कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी सेम है लेकिन इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सॉल्व करा देती हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर, फेस वैल्यू 100 रुपये, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज। एज पर वॉल्टर मॉडल प्रॉफिटेबिलिटी रेट कितना दे रखा है 16%, मतलब आर कितना बता रखा है मुझे 16% बता रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेट रिटर्न मुझे कितने मिल रहा है 16%। अब बढ़ते हैं आगे, पे आउट रेशियो इज 80%, मतलब DPS आपको बता रखा है 80%, लेकिन मैं किसका निकालूं, मेरे को तो यहाँ पे अर्निंग पता ही नहीं है, अर्निंग कहाँ पता है यहाँ पे, कैसे निकालेंगे अर्निंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दे रखा है 10%, मतलब के बता रखा है आपको 10%। अब मुझे एक चीज मिसिंग है, दैट इज EPS। अब EPS कैसे निकलेगी फ्रेंड्स, बताएगा कोई EPS कैसे निकालेंगे। देखिए वो कह रहा है कि फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये,
और आपको अर्निंग्स कितनी हो रही है 16% की। तो अगर मैं 100 रुपये का मतलब 16% निकालूं, 16% ऑफ 100 निकालिए जरा आप, 16% ऑफ 100 रुपीज का निकालो, 16 upon 100 into 100 कटा मैंने तो मेरा ईपीएस कितना आ गया 16। 16 क्यों आया आपको गाइस समझ आया? देखिए एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज, अब वो कह रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 16% का, तो हमने 16% निकाला किस चीज़ का, 100 रुपीज़ का, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू आपको 100 रुपये बता रही थी। तो इस वजह से मैंने ये मेरा ईपीएस आ गया 16। अब आप डीपीएस आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे निकाल लेना 16 का डीपीएस 80% ऑफ 16, बस अब क्वेश्चन इजी बन जाता है। यू विल हैव टू कैलकुलेट पी इन दिस क्वेश्चन, राइट। अब आप इसको भी घर से सॉल्व कर लीजिएगा और अपना आंसर मैच करिएगा कि आपका आंसर मैच होता है या नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक ट्विस्ट इतना सा था कि आपको ईपीएस नहीं बता रखा था डायरेक्ट, आपको पहले ईपीएस निकालना था बाय यूजिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी रेट, ठीक है, फेस वैल्यू आपको गिवन है। तो इस हेल्प से मैंने पहले आपको ईपीएस निकलवाया, देन आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ये फॉर्मूला बता रहा था आपको एक, और आपसे कह रहा है कि ये फॉर्मूला किस मॉडल ने लिया है। ये लिखा मैंने ऐसे है बट ये क्या कह रहा है मैं आपको बता देती हूँ। ये आपसे कह रहा है ये चीज ई माइनस डी और इसके अकॉर्डिंग में के। अब ये वाला फॉर्मूला आप बताओ, अभी तो हम पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा मॉडल का फॉर्मूला पढ़ा मैंने, वॉल्टर मॉडल का ही तो पढ़ा है, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं। आप सोचो इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हम सारे क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अभी जो मैंने पढ़ाया वही है। वो कह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी कंसिडरेशन में होती हैं, किस चीज़ को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं वाइल डिसाइडिंग दी डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब आप सोचो जब भी मैं डिविडेंड देने की बात आएगी तो मैं क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करूँगी अपनी डिविडेंड डिसीजन लेते वक्त। आप देखोगे कि आपकी कंपनी की कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल देखूंगी, ज़्यादा होंगी तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगी, कम होंगी मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो मैं दूंगी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर, ये भी देखा जाता है कि शेयर होल्डर हमारी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर वो ज़्यादा कर रहा होता है, क्योंकि हम उसको भी नहीं आप बिल्कुल उसको निराश कर सकते ना, आप उसकी पॉइंट ऑफ व्यू भी तो देखेंगे कि वो आपकी कंपनी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये भी हम देखते हैं। लीगल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन, ये भी देखा जाता है कि कंपनी कितने लीगल, क्या रूल्स चल रहे हैं, क्या टैक्स रूल्स चल रहे हैं, उस चीज़ को भी कंसीडर करती है। स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड कंसीडरेशन, नो, क्या कंपनी एक ही तरीके का डिविडेंड देना प्रिफर करेगी, ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि हम आज अगर 10% का दे रहे हैं तो अगले साल भी 10% का देंगे, नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है गाइस, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे, राइट। तो दिस इज आर करेक्ट आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड कंसीडरेशन ऑप्शन का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, द पोर्शन मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए डाला था, अब ये आप होमवर्क से करके लाएंगे, ये वाले भी आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट हम बन जाएंगे इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग। द पोर्शन ऑफ अर्निंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर के रिगार्डिंग कौन कौन, अगर मैं मतलब शेयर होल्डर को अपनी अर्निंग्स दे रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड तो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ही बता देती हूँ, पे आउट रेशियो तो बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एक होमवर्क है, दो क्वेश्चन, ये 8 और 9 मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, 8 भी आप घर से करने वाले हैं एंड 9 भी आप घर से करने वाले हैं, आप ही बताएंगे कि इसमें क्या होना है, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज पिन करिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को जरूर कराएंगे। ये सारे मैंने आज आपको कलेक्ट करके दे रखे हैं फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, कि जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सिंपल सा बता देती हूँ बस आपको इसमें क्या क्या लिखना है, ईपीएस बता रखा है 12, डीपीएस बता रखा है 3, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मेरे को बता रखा है ये के, और आईआरआर मेरे को बता रखा है आर, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है 22%, रिटेंशन रेशियो बता रखा है 75%, ये नया आ गया। अब फ्रेंड्स आप देखो कंपनी रिटेन कर रही है 75%, रिटेन रिटेंशन मतलब रिटेन कर रही है, तब आप बताओ कि डीपीएस कितना होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, डिविडेंड कितना दे रही होगी फिर अगर वो रिटेन 75% कर रही है, तो हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, तो यहाँ पे कितना आया 25%, अब तो मेरा काम आसान बन जाता है।
25% आप किसका निकालेंगे बताइए, 25% मैं निकालूंगी किस चीज का, ऑफ ईपीएस। बाकी क्वेश्चन सारा सेम है, आप सॉल्व करो, आंसर निकालो एंड चेकआउट करो कि आपका आंसर मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ भी नहीं कह रहा है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप इसको घर से देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसको भी मैं कराऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप करो, आप आंसर मैच करो एंड पिन करो, देन आई विल चेक कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल के साथ, दैट इज आवर गॉर्डन मॉडल अप्रोच टू डिविडेंड डिसीजन, उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, सारी चीज समझिएगा एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। सी यू फ्रेंड्स, बाय बाय।